रीजनेबल प्राइस इनकी ब्रांडेड उन्होंने यूज किया हुआ है जर्नी की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेरणा दर्शन। मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं। और आइए, आज हम दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र में आए हैं और आज का जो हमारा जायका है, आज की जो हमारी ट्रेवल है वो है फूड जर्नी की ओर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम बहुत स्पेशल जगह पे आए हैं पश्चिम विहार में। ये पश्चिम विहार का बी ब्लॉक एरिया है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एक फूड पॉइंट मैं कह सकता हूँ, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम पड़ा हुआ है सिंह फूड पॉइंट। आप देख सकते हैं नीचे और पूरा मेन्यू के साथ हमारे वीर जी ने यहाँ पर लगा रखा है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पर आता हूँ और आज मुझे रहा नहीं गया। मैंने ये डिसाइड किया कि आज दिल्ली के सभी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उन सभी को यहाँ के बारे में बताया जाए जो यहाँ नहीं आ चुके हैं, और यहाँ पर आएँ और यहाँ का जायके का टेस्ट ज़रूर लें। कहते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पंजाबी जायका जो होता है, पंजाबी टेस्ट, पंजाबी स्वाद होता है, वो इसमें स्पेशल मिलेगा, घर जैसा खाना। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी फूड ब्लॉगिंग मैंने किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस इन्हीं का है। आप देखिए यहाँ पर भैया के इस स्टॉल छोटा सा लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कई सैकड़ों लोग यहाँ पर डेली के डेली भोजन करके जाते हैं, खाना खा के जाते हैं बहुत ही रीजनल प्राइस में। प्राइस आप चेक कर सकते हैं कि भैया का राजमा चावल का 35 रुपीज़ कॉस्ट है, ये हाफ प्लेट का है। और वीर जी बड़े फुल प्लेट का 55 रुपीज़ इन्होंने किया हुआ है फुल प्लेट का। और यकीन मानिए इनका जो क्वान्टिटी होता है, मेरा अनुभव जो कहते हैं, आप देख सकते हैं क्वान्टिटी, धीरज जी यहाँ दिखाएं एक बार, कि एक सिंगल पर्सन के खाने के लिए ये हाफ चावल है। आप समझ सकते हैं कि अगर फुल चावल की बात मैं करता हूँ या फुल प्लेट की बात करता हूँ तो आपको मोर देन दी सिंगल पर्सन रहेगा। तो आइए भैया से 2 मिनट के हम बात करेंगे क्या क्या यहाँ पर इन्होंने आज बना रखा है और किसी डेज में कोई चेंजेस भी होती है मेन्यू के अंदर में। तो वीर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज आज क्या बना रखा है आपने? राजमा है, कड़ी है और डेली। तो वीर जी ये क्या कभी चेंजेस वगैरह भी होते हैं क्या मेन्यू वगैरह? राजमा कड़ी डेली होता है, अच्छा तीसरी में चेंज होती है ना। और ये रायता का क्या रेट करता है आपने? रायता 10 या 15। ठीक है। और इसके अलावा आपने कोई एक मैंने देखा है कि 50 रुपीज़ का कोई प्लेट है जिसमें रोटी भी है, रोटी की थाली है, अपना 4 रोटी 2 सब्जी। तो भैया जी ने मुझे बताया कि 4 रोटी और 2 सब्जियों के साथ 50 रुपये की है। और मैंने देखा है कि उसमें बहुत अच्छी क्वान्टिटी है, जो जो भी खाना चाहते हैं। देखते हैं भैया जी ने यहाँ पर स्टफिंग की हुई है राजमा चावल। मैं आपको अभी जस्ट हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं और अभी हम खाएंगे तो आपको बताऊंगा इसका टेस्ट क्या है, क्योंकि मुझे 2 साल का अनुभव है। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं मैं आपसे कहूंगा कि एक बार यहाँ ज़रूर आए। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूंगा तो जब आप जनकपुरी से पीरागढ़ी की ओर जाते हैं तो राइट साइड के अंदर में ये पश्चिम बिहार का बी ब्लॉक ज्वालाहेड़ी मार्केट की तरफ पड़ता है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ का मेजर लैंडमार्क मैं दिखाता हूँ, एक बार पीछे दिखाएंगे धीरज जी, भारत गैस पेट्रोलियम है, भारत गैस एजेंसी है, फूड पॉइंट डेली सुबह 9-10 बजे से लेकर के और शाम के 4 से 5 बजे तक रहता है। तो आइए टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आइए देखिए स्टफिंग कर रहे हैं भैया जी हमारे। इन्होंने जो डिमांड है हमारे कस्टमर्स की, इन्होंने राजमा चावल लगा रहे हैं। देखिए और जगह आपने देखा होगा कि चावल डालने के बाद राजमा डालते हैं, लेकिन इन्होंने सब्जी कमी ना रहे इसलिए इन्होंने पहले राजमा इसमें डाला है। ये करें भैया, उनको एक ही देना आपको लेकर। अब देखिए इन्होंने राजमा के बाद इन्होंने इस पर चावल डाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि चावल में इन्होंने जीरे का तड़का मार रखा है, साथ में इसमें सोयाबीन चाप भी है। और देखिए ये राजमा है, राजमा दिखाओ एक बार, ये देखिए कलर की कह लीजिए, अच्छा ही टेस्ट की कह लीजिए, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि पंजाबी टेस्ट जायका का आपको बहुत आनंद आने वाला है। आप आए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि इतना टेस्टी खाना, इतना घर जैसा खाना आपको शायद ही मिल पाता है और इतने रीजनेबल प्राइस के अंदर में। वीर जी साढ़े नाम किया है रंजीत सिंह, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिंह साहब के यहाँ पर फूड पॉइंट पर ज़रूर आएँ आप लोग। ये देखिए रेडी है हमारे भैया जी रायता, बहुत बढ़िया तड़के लगे हुए रायता भर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए हमारा प्लेट भैया जी ने रेडी कर दिया है, ज़रा इसका जायके का आनंद लेते हैं और फिर अभी कुछ ही देर में दोबारा आप लोगों से मिलते हैं स्टेट के साथ में।
और देखिए हमारी प्लेट्स रेडी हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ खाना भी खा रहे हैं। मुझे भी दिखा। और देखिए हमारी प्लेट्स रेडी हो चुकी है। हमने यहाँ पर कई अलग अलग वैरायटीज़ लगवाई थी, कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल। मैं सिर्फ इसलिए लगवाया क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली साथ आज यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं। और रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी प्लेट्स इन्होंने लगाई थी इसमें आप देखिए इन्होंने जो ग्रीन सॉस डाला हुआ है बहुत ही टेस्टी है, बहुत बढ़िया। इसमें पुदीने का फ्लेवर है, इसमें अनियन इन्होंने डाला हुआ है, राजमा जो आपको है राजमा पंजाबी टेस्ट आपको आएगा, और राइस जो है ना राइस बहुत अच्छी ब्रांडेड इन्होंने यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर में सोयाबीन भी है, साथ में जीरे का तड़का लगा हुआ है। और टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। धीरज जी थोड़ा सा क्लोज दिखाएं। ये राजमा नॉर्मल दिल्ली का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक पंजाबी टेस्ट की बात करूँ ना उस टाइप का राजमा है। और वहीं पे अगर मैं छोले की बात करूँ तो आप ये देखिए छोले भी हैं, छोले के देखिए साइज़ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इन्होंने स्टफिंग कर रखी है, इन्होंने बहुत बढ़िया मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत आनंदमय है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आपको एक टेस्ट करके आज का बताता हूँ क्योंकि मैं तो पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस है ही, बट आज का मैं टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ आए फैमिली के साथ में। बहुत अच्छा बिहेवियर है इनका, ये पूरी 2-3 बंदों की यहाँ टीम है, और ऐसा लगेगा नहीं कि आप रेस्टोरेंट में नहीं बैठे, ऐसा लगेगा आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अभी तो आप देख सकते हैं कि भीड़ थोड़ी कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है खाने के लिए। तो मैं टेस्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ऑसम, मतलब कि किसी भी दिन टेस्ट के अंदर मुझे कभी कोई नेगेटिव या कभी भी डाउन नहीं लगा, मुझे लगता है कि अप टू दी मार्क ऑलवेज है। और मैं एक चम्मच आपसे ये छोले चावल भी एक बार टेस्ट करके आपको बताऊंगा। अल्टीमेट इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा खट्टापन है, इन्होंने इसमें जो यूज़ किया हुआ है चाहे वो दही यूज़ किया हो चाहे इन्होंने किसी प्रकार का, ये एक अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है। आपको ये वो छोले नहीं लगेगा जो आपने छोले भटूरे में खाया जैसे ऑयली होता है, ये घर का बना हुआ बहुत ही टेस्टी और यमी फूड है आपके लिए। चले मैं यहाँ का आपका एड्रेस बता चुका हूँ। और देखिए दोस्तों यहाँ पर कढ़ी चावल की प्लेट भैया रेडी कर रहे हैं, ये देखिए इतना बड़ा पकौड़ा, इतना टेस्टी, ये देखिए फ्लेवर देखिए आप यहाँ पर कढ़ी का, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। ये बड़े रेस्टोरेंट से कम नहीं है, इन्होंने मैंने भी कढ़ी चावल का भी टेस्ट किया है, इसके अंदर में आपको जैसे भंडारे में नहीं स्पेशल टेस्ट आता है जस्ट वैसे उन्होंने बना रखा है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पंजाबी खाना का जो टेस्ट है वो आपको बिल्कुल ऐसा फील आएगा कि एक बार जब आप आए तो मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 बार आने से आप अपने आप को रोक पाएंगे। हाँ, तो इसका मैं एड्रेस आपको बताता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि नीचे आपको एड्रेस शो भी हो रहा होगा। ये पश्चिम बिहार का बिजी ब्लॉक है, और ये बिजी ब्लॉक जो है ये रघुवीर नगर वाले रास्ते में नाले से पहले पड़ता है। तो आप लोग यहाँ आएंगे, यहाँ 2 लैंडमार्क है, एक तो भारत गैस एजेंसी है और दूसरा यहाँ पर जस्ट बगल में गुरुद्वारा है बिजी ब्लॉक का। तो चलिए दोस्तों जितने भी दोस्त नए हैं हमारे चैनल पे वो व्यूज़ को लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। अगर आप यहाँ पर आए हैं या आने वाले हैं उसके बाद आप कमेंट्स में बताएं कि यहाँ का टेस्ट कैसा आप लोगों को लगा, यहाँ का बिहेवियर कैसा, एटमोसफेयर कैसा लगा। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जितने व्यूज़ आप लोग देंगे उतना ही यहाँ पे आप लोग आकर के एंजॉय कर पाएंगे और चैनल की तरफ से आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। यहाँ हम लोगों ने सभी प्रकार के टेस्ट किए हैं, चाहे वो राजमा चावल हो चाहे कढ़ी चावल हो। और मैं कहता हूँ स्ट्रीट फूड की अगर मैं बात करूँ तो 10 out of 10 मार्क्स वाले करके यहाँ पर, और यहाँ जरूर आए। अदर प्रकार फूड है यहाँ पर, यकीन टेस्ट है पंजाबी टेस्ट का, वो जर्नी है, ये ऐसा जंक्शन है जहाँ पर आएंगे तो मुझे लगता है कि जब आप एक बार आएंगे तो दोबारा आने का मन करेगा। और नॉट इवन सिंगल आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ आ सकते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि पश्चिम बिहार का बीजी ब्लॉक है, बहुत फेमस है, कहीं पर भी आप डालेंगे पश्चिम बिहार का बीजी ब्लॉक और भारत गैस पेट्रोलियम, ऑटोमेटिकली आपको लोकेशन यही देखने आएगी। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहाँ से विराम करते हुए सभी से दोस्तों से विदा लेते हुए अगली वीडियो की तरफ चलते हैं, और बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नेक्स्ट और इसी तरह की फूड जर्नी की। एक और सभी को बाय बाय।